बुलेटिन शामिल करते हैं लाहौर से लीगल एडवाइजर अल खिदमत न्यूज चैनल और सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट मलिक अफजाल अहमद ने रिपोर्ट की है। सीट के नीचे से एक हमें यूएसबी मिली, उस यूएसबी में आज जो 9:30 बजे पेपर होना था तहसीलदार का, वो पेपर मौजूद था 7:45 बजे और बाकी पेपर भी थे पहले के जो हो चुके थे। वो फिर हमने कन्फ्रंट करवाया जब जनाब कमीशन वालों के सामने रखा कि उन्होंने कहा, चेयरमैन साहब ने कहा जी वाकई मेरा मतलब है, तो फिर उन्होंने 8:30 बजे पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया। तो उसके बाद फिर हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला कि ये ग्रोह जो है ये इन्होंने अभी तक जो हमारे सामने कन्फेस किया है, इन्होंने सबसे पहले लेक्चरर डिप्टी काउंट ऑफिसर का पेपर बेचा, फिर इन्होंने लेक्चरर केमिस्ट्री का पेपर बेचा, फिर इन्होंने लेक्चरर एजुकेशन का पेपर बेचा, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन का पेपर बेचा, फिर उन्होंने इंस्पेक्टर एंटी करप्शन का पेपर बेचा और अब इन्होंने तहसीलदार का जी पेपर बेचा। ये अभी तक इनका कन्फेशन है और अभी तक जो तफ्तीश हमारी जारी है फाइनल कंक्लूजन नहीं है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एक डाटा एंट्री ऑपरेटर था जिसकी ड्यूटी थी कि जब पेपर चेयरमैन फाइनल कर देता है, अप्रूवल हो जाती है चेयरमैन की, तो वो कंप्यूटर में फीड करता था, फाइनल कर देता है, अप्रूवल हो जाती है चेयरमैन की तो वो कंप्यूटर में फीड करता था, वो बंदा वहां से वो पेपर ले लेता था, मुंह ऐसे यूएसबी में कॉपी कर।